कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सरकार ने अब प्रेग्नेंट महिलाओं को भी वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे, जानेंगे कि क्या वाकई वैक्सीन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सेफ है। अगर हाँ तो इस फैसले में इतनी देरी क्यों हुई। आप देख रहे हैं नोदिस, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं पर आई गाइडलाइंस में क्या है। केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण के नियमों में बदलाव किए हैं। नए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब प्रेग्नेंट महिलाएं भी कोविड वैक्सीन ले सकेंगी, क्योंकि जांच में इसे न सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सुरक्षित माना गया है, बल्कि बच्चे के लिए भी इसे पूरी तरह से सेफ बताया गया है। खास बात यह है कि वैक्सीन बच्चे को भी वायरस से सुरक्षित रखता है। सरकार के इस फैसले से कुछ हफ्ते पहले ही WHO ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण की सिफारिश की थी। केंद्रीय मंत्रालय ने सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविन पोर्टल के जरिए या फिर टीकाकरण केंद्र जाकर रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी है। अब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है। मेडिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गर्भ धारण करने के पहले 3 महीने यानी पहले ट्राइमेस्टर में वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। हम लोग को फर्स्ट 3 मंथ में इसको अवॉइड करना चाहिए। तो 1 महीना तो वैसे ही नहीं पता चलता, तो 12 वीक तक इस वैक्सीनेशन को प्रेफरेबली लाने, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 12 हफ्ते के बाद इस वैक्सीनेशन को सेफली लिया जा सकता है। टिल हर डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी इट कैन बी टेकन सेफ। कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जबकि बच्चे के ऑर्गन बनते हैं तो कुछ भी नहीं छूट देना चाहिए। टीका लगवाने से गर्भवती महिलाओं को क्या फायदा है? हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में कहा गया है कि प्रेगनेंसी से कोविड संक्रमण का खतरा नहीं बढ़ता है। बताया गया है कि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं या तो एसिम्प्टोमेटिक होती हैं या उन्हें हल्का संक्रमण होता है। हालांकि कुछ महिलाओं का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ सकता है, जिसका असर गर्भ में मौजूद बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए प्रेग्नेंट महिलाएं सभी सावधानी बरतें। इस सावधानी में वैक्सीनेशन भी शामिल है। क्या गर्भवती महिलाओं में वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट हैं? जो वैक्सीन से सिम्टम बिल्कुल जैसे कोई आम वैक्सीन के लिए है वैसे ही होते हैं। ज्यादातर लोगों को 85-90% को कुछ नहीं होगा, 15% में कुछ फीवर हो सकता है, किसी को कुछ वॉमिटिंग हो सकती है, सम पीपल कैन बी अनवेल फॉर 1 or 2 डेज। ये मैं हेल्दी लोगों की बात कर रही हूँ जो नॉन प्रेग्नेंट है। और मेरा अपना सोचने का तरीका है कि प्रेगनेंसी में हमारा फ्लू का एक्सपीरियंस पिछले 10-12 सालों से है। हम लोग को ये लगता है कि ये जो है कोविड का जो वैक्सीनेशन है बिल्कुल कुछ नए सिम्टम्स नहीं आएंगे। बहुत बहुत रेयर 1 in 5 दैट कैन बी देयर, यू नो, वेरी रेयर सिम्टम्स। एंड आई थिंक एट दिस पर्टिकुलर टाइम पब्लिक को उसके लिए परेशान नहीं करना। सरकार ने इस फैसले में देरी क्यों की? अब तक सरकार गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को हरी झंडी नहीं दे रही थी, क्योंकि इन वैक्सीन के असर को लेकर पर्याप्त डेटा अवेलेबल नहीं था। इसकी एक वजह ये भी थी कि वैक्सीन के ज्यादातर ट्रायल में प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के कोविड मेटरनल इम्यूनाइजेशन ट्रैकर के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं से जुड़े डेटा के अभाव में ही टीकाकरण देरी से शुरू किया गया। कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी फैसला लेना जरूरी हो गया था। ICMR ने अपनी स्टडी में पाया कि दूसरी लहर में गर्भवती महिलाओं में कोरोना का इन्फेक्शन रेट 28.7% था, जबकि पहली लहर के दौरान ये 14.2% था। इसके अलावा जहां दूसरी लहर में महिलाओं की मृत्यु दर यानी डेथ रेट 5.7% थी, वहीं पहली लहर के दौरान ये दर 0.7% थी। कौन सी वैक्सीन लगवा सकती हैं गर्भवती महिलाएं? नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK Paul ने मंगलवार को कहा कि सरकार कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी और मॉडर्ना वैक्सीन को अप्रूव कर चुकी है। ये वैक्सीन ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माओं और गर्भवती महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर VK Paul ने ये भी साफ कर दिया कि वैक्सीन का महिलाओं की इनफर्टिलिटी से कोई संबंध नहीं है। आपको कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें। देश और दुनिया की तमाम मुश्किल खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।